वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सी स्टार्टर की रेसिपी, जो कि आप दावत में बना सकते हैं या फिर आप ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 kg चिकन और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 tablespoon, साथ ही में ऐड कर देंगे हम धनिया पिसा हुआ, यहाँ 1 cup धनिया जो है वो पिसा हुआ लिया है मैंने, 5 से 6 हरी मिर्च का पेस्ट लिया है वो ऐड कर देंगे, ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे 1 pinch और 2 फटे हुए अंडे ऐड करके। अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स, साथ ही में ऐड कर देंगे हम 3 बड़े चम्मच मैदा और 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। ये सारी चीज़ को हमें मिक्स कर लेना है और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है मैरिनेट करने के लिए, जिससे चिकन पर अच्छे से कोटिंग आ जाएगी और बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा चिकन। तो 1 घंटा हो चुका है हमें इसे फ्रिज में रखकर। अब ऑयल को हम फुल फ्लेम पर गरम कर लेंगे, अच्छा गरम हो जाना चाहिए ऑयल। तो और 1-1 चिकन के पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर बोनलेस और बोन्स वाला दोनों लिया है, आप चाहे तो इसे सिर्फ बोनलेस में भी बना सकते हैं। तो 1-1 करके चिकन के पीस को इसमें डालेंगे और टर्न कर करके हम इसे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जब तक ये चिकन गल नहीं जाए और इसकी जो आउटर लेयर है वो अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। तो अच्छे से हमें इसे फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं इस पर गोल्डन जो है वो मार्क्स आ चुके हैं और चिकन जो है वो पकाते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी आउटर लेयर है वो भी क्रिस्पी हो चुकी है। तो अच्छे से हमें सारा चिकन फ्राई करके एक निकाल लेना है। आप बनाते हैं इसकी सॉस। सॉस बनाने के लिए ऑयल और बटर को अच्छे से गरम कर लेना है और इसमें मैं ऐड करूँगी 8 से 10 लहसुन की कली, जिसे मैंने चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे और लहसुन को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ी सी खुशबू आ जाए इसमें से। अब इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 काजू, उसे भी हमने चॉप कर लिया है वो ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब साबुत काजू हम डालेंगे इसमें 6 से 7, ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट 1 tablespoon, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप 1 tablespoon ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। इस स्टेज पर अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। साथ ही में ऐड कर देंगे 1 tablespoon सोया सॉस और इसे भी अच्छे से पका लेंगे। अब मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी शक्कर, यह 1/2 teaspoon शक्कर है वो ऐड करेंगे। इससे टेस्ट मीठा तो नहीं होगा लेकिन एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा, बैलेंस तीखा मीठा ऐसा टाइप का थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे हम 1/2 cup अमूल की फ्रेश क्रीम, अगर आप चाहे तो मलाई भी यूज़ कर सकते हैं दूध पर जमी हुई। साथ ही में ऐड कर देंगे 1 से 2 pinch ग्रीन फूड कलर, ताकि इसको अच्छा सा ग्रीन कलर आ जाए। और ये हमारी सॉस रेडी है। सॉस अच्छे से पक गई है। अभी इसमें हम चिकन के जो पीसेस है जो हमने फ्राई किए थे वो डायरेक्टली इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि चिकन पर पूरी सॉस लग जाए और ऊपर से डेकोरेट करेंगे हम इसे चीज़ के साथ और आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।